हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पोटेंशियल जी में। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि मैं अन अकेडमी पर एक प्लस एजुकेटर हूं, यहां पर मैं आपको लाइव पढ़ाता हूं। तो मैं आपके लिए CSIR नेट फिजिकल साइंस से रिलेटेड एक और कोर्स लेकर आ रहा हूं, और ये कोर्स हमारा 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च तक चलेगा। और इस कोर्स की जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग 10 AM। और इस कोर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हम यहाँ पे इन सब सब्जेक्ट को कवर करेंगे। और ये मेरा नाम है ललित कुमार, तो अन अकेडमी पर मेरा नाम ललित कुमार है, तो जाके आप मेरे को अन अकेडमी पर फॉलो कर लीजिए अगर आप अब तक आपने मेरे को अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है। और ये मेरा रेफरल कोड है पोटेंशियल जी। पोटेंशियल जी का अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यूज माई रेफरल कोड पोटेंशियल जी टू गेट 10% डिस्काउंट। तो ये सारे के सारे कोर्सेस आपको अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है CSIR नेट फिजिकल साइंस लाइव क्लासेस। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव पढ़ाने वाला हूँ मॉर्निंग 10 AM से। तो आपके मेरे को यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन CSIR जून 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। और फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लेट वाई एक्स बी ए कंटिन्यूस रियल फंक्शन इन द रेंज 0 and 2π, सेटिंग फाइंड द इन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन साइन एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस का पाई वाई टू। तो द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पाई वाई टू इज कंटिन्यूस, हैज ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ 3, हैज ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ 1/3 एंड has a discontinuity of 1। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन है yx, ये आपके पास एक फंक्शन है। अब ये जो आपका yx फंक्शन है, ये आपका कंटिन्यूस है इस इंटरवल में 0 से आपके 2π के बीच में, और इस इन होमोजीनियस इक्वेशन को क्या करता है, ये आपका सेटिस्फाइड करता है। तब आपको ये बताना है कि यहाँ पर dy upon dx की वैल्यू क्या होगी एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे। क्या ये आपका फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूस होगा, इसका डेरिवेटिव? क्या यहाँ पे हमारे पास डिसकंटिन्यूटी होगी, और अगर डिसकंटिन्यूटी होगी तो क्या 3 की होगी, या हमारे पास 1/3 की होगी, या हमारे पास 1 की होगी? तो आइए फ्रेंड, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे करके देखते हैं, और देखते हैं इस क्वेश्चन का कैसे हमारा सोल्यूशन होगा और कैसे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी आपकी जो होमोजीनियस इक्वेशन है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ है साइन एक्स, फिर आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ये आपको दिया हुआ था डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस, यह आपको दिया हुआ यहाँ पर कॉस एक्स, यह आपको दिया हुआ यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स और इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है डेल्टा, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है x माइनस, ये हमारे पास है पाई बाई टू। तो फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पर इस तरीके का एक डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म दे दी थी। अब हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज, हाँ फ्रेंड, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को ऐसे करके लिख सकता हूँ डी अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा आपका साइन एक्स, और आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो फ्रेंड, इस वाले इक्वेशंस को, ये जो मेरे पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशंस को मैंने इस तरीके से लिखा, अब ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू डेल्टा, और आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो एक्स माइनस, ये हो जाएगा आपका पाई बाई टू। तो फ्रेंड, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोनों तरफ यहाँ पे इंटीग्रल ले लूंगा। तो फ्रेंड, हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे दोनों साइड इसका इंटीग्रल ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम ऐसे करके यहाँ पे इसका इंटीग्रल इस तरीके से ले लेते हैं। अब अगर आप इसका इंटीग्रल सॉल्व करोगे तो फ्रेंड, इसका जो इंटीग्रल होगा, तो ये टर्म मेरी बाहर आ जाएगी, और इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, और आप इसको यहाँ पे लिखोगे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल डेल्टा, और आप इसको लिखोगे एक्स माइनस, ये हो जाएगा पाई बाई टू, ये हो जाएगा आपका डी एक्स। इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा। अब फ्रेंड, ये हमारे पास इस तरीके से आ चुका है। अब आप क्या करोगे, तो अब आप देखो यहां पर, अब आप क्या करोगे, तो फ्रेंड आपको यहां पर आ चुका है साइन एक्स, यह आ गया है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया है इंटीग्रल, और आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था डेल्टा, ये था हमारे पास डेल्टा, और आप यहाँ पे इसको लिखोगे एक्स माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई टू, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका डी एक्स।
अब ये हमारे पास है। अब फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा है, इस डेल्टा की हमारे पास दो वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर हम चेक करेंगे एक्स इजिकल टू पाई बाई टू पर, और हम यहाँ पे चेक करेंगे एक्स इजिकल टू माइनस पाई बाई टू पर। तो अब हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं एट, हम यहाँ पे पुट करते हैं एक्स इजिकल टू पाई बाई टू। अब आपको पता है कि ये आपका डिराक डेल्टा फंक्शन है। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर एक्स इजिकल टू पाई बाई टू पुट करता हूँ, अगर इसमें आपको पता है अगर हम इसमें यहां पर x इजिकल टू पाई बाई टू पुट करेंगे तो ये मेरा वन हो जाएगा, ये मेरा वन हो जाएगा एट x इजिकल टू पाई बाई टू पे, क्योंकि ये आपका डिराक डेल्टा फंक्शन है। और डिराक डेल्टा फंक्शन अगर हम यहां पर पुट करते हैं x इजिकल टू पाई बाई टू तो ये हमारा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो फ्रेंड अब हम यहाँ पे इसमें पुट करेंगे, इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, तो ये हो जाएगा साइन, आप इसको लिख सकते हो पाई बाई टू। ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू, ये फ्रेंड्स हमारे पास वन हो गया। अब यहां से साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से हमारे पास साइन बाई टू साइन पाई बाई टू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वन, तो ये हमारे पास वन हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू वन। तो फ्रेंड ये तो मेरे पास वन आ गया इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू वन आ गई है, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू वन आ गया। अब हम यहाँ पे करेंगे एट एक्स इजिकल टू एट एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू। अब हम यहाँ पे कंडीशन लेते हैं एट एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू पे। तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास x की वैल्यू पाई बाई टू नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो इक्वेशन थी वो था हमारे पास साइन x, ये था हमारे पास dy अपॉन dx और इजिकल टू आप यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटीग्रल, ये था हमारे पास डेल्टा और x माइनस का ये था हमारे पास पाई बाई टू इजिकल और इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कि अगर फ्रेंड्स यहां पर आपका अगर यहाँ पर अगर आप क्या करते हो, ये हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन होता है, अगर ये हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन है इंटू डी एक्स। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू होगा तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, सिंपल सा लॉजिक है, आपको डिराक डेल्टा फंक्शन की तो प्रॉपर्टी पता होगी, तो यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तब फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं तो ये तो आपका साइन एक्स रहेगा, है ना, आपने यहाँ पे इसको पुट करा है, ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स और इजिकल टू जीरो। तो फ्रेंड यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू जीरो। तो इसका मतलब है कि यहां पर यानी कि एट एक्स इजिकल टू पाई वाई और एट एक्स नॉट इक्वल टू पाई वाई टू पर हमारा जो डेरिवेटिव है dy अपॉन dx इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो फ्रेंड इसका मतलब हुआ कि सपोज करो अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन ड्रॉ करता हूं, ये मेरे पास एक लाइन है सपोज करो दिस, अब यहां पर ये मेरे पास क्या है आपका x इजिकल टू पाई वाई टू, ये हमारे पास है x इजिकल टू पाई वाई टू। अब आपका जो x इजिकल टू पाई वाई टू है तो फ्रेंड यहां पर जो इसकी वैल्यू है, यहां पर तो इसकी वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है वन, लेकिन इधर वाले रीजन में और फ्रेंड्स इधर वाले रीजन में, इस रीजन में अगर हम बात करते हैं, इस रीजन की बात करते हैं और फ्रेंड्स अगर हम इस रीजन की बात करते हैं, आप देख सकते हैं अगर हम इस वाले रीजन की बात करते हैं और इस वाले रीजन की बात करते हैं तो यहां पर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है जीरो, और यहां पर भी आपका डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है जीरो। तो यहां पर आपको क्या मिला, डिसकंटिन्यूटी मिली। तो इसका मतलब है कि यहां पर आपको क्या मिली, डिसकंटिन्यूटी, और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है वन। तो फ्रेंड्स आपको यह पता लगा कि एट एक्स इजिकल टू पाई वाई टू पर इसकी वैल्यू कितनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है वन, लेकिन एट एक्स इजिकल टू नॉट इक्वल टू पाई वाई टू पर इसकी वैल्यू कितनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की, ये हमारे पास है जीरो। तो इसका मतलब है फ्रेंड यहां पर आपके पास क्या है, डिसकंटिन्यूटी है आपकी वन की। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो गया वो हमारे पास कितना हो गया है, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन डी हैज ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ वन। तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इस तरीके से। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा, आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा लगा हो तो यहाँ कमेंट बॉक्स में लाइक आप कमेंट किया करो, वीडियो को शेयर किया करो और लाइक किया करो।
अगर आप मुझसे इस टाइप के और भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हैं। ये हमारा CSIR जून 2012 का हमारा क्वेश्चन था। तो फ्रेंड लास्ट में आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप मेरे को यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको पोटेंशियल जी को क्या करना होगा, यहाँ पे सर्च करना होगा और फिर उसके बाद सब्सक्राइब करना होगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं पोटेंशियल G9 से। आप मेरे को FB पेज पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा एक FB पेज भी है पोटेंशियल जी से, तो आप उसको भी जाकर विजिट कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको सॉल्यूशन वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करता रहता हूँ। और फ्रेंड्स आपको पता है कि मैं अन अकेडमी पर भी एक प्लस एजुकेटर हूँ, तो आप मेरे को अन अकेडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ललित कुमार मेरा नाम है, वहां पर मेरे को सर्च कर लीजिए अन अकेडमी पर। तो अगर आप मेरे को अन अकेडमी पर सर्च करेंगे तो मैं वहां पे आपको मिल जाऊंगा। वहां पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ और आपकी हेल्प करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।